हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो यहाँ पर इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे नागरिकता बिल के बारे में, जिस पर जनता का तगड़ा समर्थन मिल रहा है और इसी कारण कांग्रेस को अपना जवाब भी नागरिकता बिल पर मिल चुका है। और वहीं सभी दलों से कांग्रेस पार्टी को नागरिकता बिल को लेकर एक तगड़ा झटका भी लग चुका है। तो अभी हम आपको इस बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ देश से जुड़ी और भी बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे जो कि नागरिकता बिल को लेकर आ रही है। तो अभी हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो इसलिए आप वीडियो देखते रहिए पूरा का पूरा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अभी हम सीधे बात करते हैं नागरिकता बिल के बारे में, जिसको लेकर आज की बड़ी और देश के लिए तगड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में शिवसेना सांसद का बड़ा पत्र देखने को मिल रहा है, जहां पर शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने लिखा है कि मैं सीएए और एनआरसी के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैं मीटिंग में बिजी था और मैं इस पर दुख व्यक्त करता हूँ। ये बड़ी बात सांसद हेमंत पाटिल ने कही है। और वहीं उन्होंने कहा है कि हमने पूरी जोर तरीके से जो है लोकसभा में जो है पूरी तरह समर्थन किया था सीएए का और हम अब भी समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर कहा ये हेमंत पाटिल ने। और वहीं उन्होंने कहा है कि शिवसेना एक हिंदूवादी विचारधारा वाली पार्टी है और आज भी समर्थन कर रही है हिंदुओं का। ये बड़ी बात शिवसेना को लेकर कही है हेमंत पाटिल ने। और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा दिया है यहाँ पर जो है नागरिकता कानून पर हेमंत पाटिल ने। और इसी के साथ ये बड़ा बयान देखने को मिल रहा है शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल की तरफ से। और वह इसी के साथ ही एक और बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है मोदी सरकार के लिए, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में हिंसा फैलाने वालों को जनता देगी जवाब, ये बड़ा बयान देखने को मिल रहा है यहां पर नीतीश कुमार के सरकार की तरफ से, डॉक्टर प्रेम कुमार की तरफ से। तो आपको ये बता रहे तो नीतीश कुमार की सरकार में कृषि मंत्री चल रहे, यहाँ पर डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हिंसा फैला रहे हैं लोग उनको पूरी तरह से जनता जवाब देगी, ये बड़ी बात कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहिए। और इसी के साथ ये तगड़ा बयान प्रेम कुमार जी ने दिया है। और वहीं इसी के साथ ही आगे एक और बड़ी और अच्छी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको ये बता रहे तो यूपी के डीजीपी ने कहा है कि निर्दोष को छू नहीं रहे हम और दोषी को छोड़ेंगे नहीं हम, ये बड़ी बात कही है यहां पर डीजीपी ने। यहां पर जो है नागरिकता कानून को लेकर और हिंसा फैलाने वालों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है डीजीपी ने यूपी के। और इसी के साथ ये तगड़ी रूप से खबर निकल के आ रही है हिंसा फैलाने वालों को लेकर यहाँ पर यूपी से। और वहीं इसी के साथ ही नागरिकता कानून को लेकर एक और बड़ी और अच्छी खबर निकल के आ रही है, जहां पर नागरिकता कानून का सच बताने के लिए आरएसएस और व्यूब जो है चलाएंगे कुछ बड़े बड़े अभियान और समझाएंगे मुसलमान लोगों को कि यहां पर आपको गुमराह करिए यहां पर कांग्रेस की सरकार, ये बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने। और इसी के साथ ही ये भी बड़ी बयान आ रहा है यहां पर मोहन भागवत की तरफ से आरएसएस और व्यूब को लेकर यहां पर जो है नागरिकता कानून पर। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून में जो है मुस्लिमों को भी चाहते हैं हम, ये बड़ी बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही है। और उनका कहना यह है कि यदि आप मुस्लिमों को शामिल करें नागरिकता कानून में अन्यथा इसे रद्द करें, ये बड़ी मांग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है यहाँ पर मोदी सरकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है नागरिकता कानून को लेकर जनता का तगड़ा समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस को तगड़ा जवाब मिल रहा है क्योंकि सभी दलों की तरफ से कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लग रहा है, जहाँ पर नीतीश कुमार के सरकार से पूरी तरह से सामने आ रही है बात की हम भी समर्थन में यहाँ पर जो है नागरिकता कानून के। और वहीं शिवसेना ने भी कह दिया है कि हम भी समर्थन कर रहे हैं नागरिकता कानून का। तो इस प्रकार से ये आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर निकल के आ रही थी नागरिकता कानून को लेकर। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।